बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैंने बनाई थी अंडा कढ़ाई, और ये अंडा कढ़ाई बहुत यम्मी और टेस्टी बना थी। सबको इतना पसंद आया कि इन माने में आपको क्या बताऊँ, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बना था ये अंडा कढ़ाई। तो आप भी घर पर बनाइए अंडा कढ़ाई, और आइए मेरे साथ मेरे किचन में मैं क्या क्या डालती हूँ, किस चीज़ डालती हूँ। लास्ट तक मेरी वीडियो को देखा करें, फिर आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। चले आ जाइए मेरे पीछे पीछे आइए किचन में, आप भी लग जाइए साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तो मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा कढ़ाई। तो यहाँ पे 6 अंडा लिया है, आधा कप हमने लिया है दही, 1 टीस्पून हमने लिया है मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मसाला जो कुछ पीसना है हमको, तो 1 प्याज पीसेंगे और 2 चम्मच धनिया, 1 टीस्पून हमने लिया है जीरा, 20 से 25 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, 5 लौंग, और यहाँ पे लिया है हमने 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए सबसे पहले इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने मसाले को पीस लिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी मिर्ची और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, बाद में दही डालूंगी। तो चलिए अब अंडा को फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा तेल डाल के। तो यहाँ पे देखिए सारे अंडे हमने इस तरह से लंबा लंबा कट लगा लिया, या तो आप फोक से भी छेद कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल गरम हो गया है, तो मैं अंडा इसमें डाल दूंगी, अंडा को फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने अंडा को फ्राई कर लिया है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची डाल के। तो उसी तेल में मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 1 छोटे से दालचीनी लकड़ी और 1 तेज पत्ता बस, और कोई मसाला नहीं डालेगा। उसके बाद फटाफट हम ये मसाला डाल देंगे जो हम जो है पीस के रखे हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक चला गया है। अब मैं जो है मसाले की भुनाई कर लूँगी। मसाला भुन चुका है। अब यहाँ पे जो हमने 4 बड़े चम्मच दही लिए हैं, फेटी हुई दही है, इसको फेट लिया है। अब इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको दही डालना है, ओके, नहीं तो आपकी दही फट जाएगी। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल भुन चुका है, ये देखिए जो है तेल छोड़ दिया है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो अंडा फ्राई करके रखे हैं वो सारे अंडे इसमें डाल देंगे, और 2 मिनट के लिए अंडे के साथ भूनूंगी लो फ्लेम। तो यहाँ पे देखिए अंडे को हमने 2 मिनट मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालूंगी 1 कप पानी, आप अपने हिसाब से पतला गाढ़ा कर सकती हैं, और 3 हरी मिर्ची डालूंगी। बीच से हमने इस तरह से चीरा लगा दिया है, आप देख सकती हैं ये, और इसी साथ डाल दूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश किया हुआ। बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 मिनट पकाऊंगी, थोड़ा सा इसका पानी और ठीक हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है। और इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं चाट मसाला 1/2 टीस्पून, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, मुझे बहुत पसंद है अंडे में चाट मसाला। और थोड़ी सी हरी धनिया डालूंगी 1 टेबल स्पून। ये देखिए अंडे में उबाल आ चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम हमने कर दिया, 3 मिनट और पकाएंगे। अगर आप चाट मसाला डालिएगा तो नमक कम डालिएगा, नहीं तो फिर नमक तेज हो जाएगा, इसलिए चाट मसाले में भी नमक रहता है। देखिए 4 से 5 मिनट हमने लो फ्लेम पे पकाया और गैस को बंद करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब इसको सर्व कर लेती हूँ एक बाउल में। तो यहाँ पे देखिए हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया मसाला से, ये बहुत टेस्टी हमारा जो है अंडा कढ़ाई बन के रेडी हुआ है। तो आप भी इस तरह से अंडा कढ़ाई बनाइए, बहुत मज़ा आने वाला है, रेस्टोरेंट स्टाइल में है समझ लीजिए। बस अब क्या बताएं, उससे भी अच्छा टेस्ट बना हुआ है, आप बना के देखिएगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। अल्लाह हाफिज़। ये अंडा सबको पसंद आने वाला है, एक बार बनाएंगे इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे।